हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपुल बग्गा। और दोस्तों, न्यूज़ निकल के आ गई है कि जो जेईई मेंस और नीट होने वाला है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। एनटीए ने खुद प्रेस रिलीज करके बोल दिया कि अब वो पोस्टपोन नहीं होगा और वो अपने शेड्यूल पे ही होगा और कुछ डिटेल्स भी दी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं साइट जो कि मैंने खोल रखी है, एनटीए की, jeeemain.nta.nic.in। यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स में जो न्यूज चल रहा है वहाँ पे आई है न्यूज, तो फटाक से मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है और अब बिल्कुल भी एग्जाम पोस्टपोन होने नहीं वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है वो प्रेस रिलीज जो एनटीए ने रिलीज किया है कल रात के 10 बजे के आसपास, देर रात में रिलीज किया है। तो मैंने भी ये आज देखा है। तो नेशनल टेस्टिंग की एजेंसी के द्वारा ये आया है प्रेस रिलीज। डेट है जैसे कि कल की 25 अगस्त। सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ जेईई मेंस ऑफ 2020 एंड नीट यूजी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट विच वेयर अर्लियर शेड्यूल टू बी इन द मंथ ऑफ जुलाई, उनके बोलने से फिर से सितंबर में कर दिया गया था। पर नाउ इन द व्यू ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिस एग्जाम्स आर नाउ शेड्यूल्ड एज फॉलोज, 1 to 6 फॉर द जेईई मेंस एंड नीट ऑन 13। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो मेड दैट नो पोस्ट अमेंडमेंट विल बी मेड फॉर द एग्जामिनेशन नीट एज वेल एज जेईई मेन 2020। एनटीए ने अभी तक एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है इसके लिए, जेईई के लिए, और नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आज आने वाला है। अभी वेडनेसडे बोले थे, मतलब कि आज, तो आज नीट का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 99% कैंडिडेट्स गेट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ द सेंटर, उन्होंने ये बोला है कि हमने ट्राई किया 99% जो स्टूडेंट्स उनको अपना फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर मिले। और उन्होंने अपने जो एग्जाम के सेंटर से उसको भी बढ़ा करके जेईई मेंस 570 to 660 कर दिया, और इन केस ऑफ नीट इट इज 2546 से बढ़कर क्या हो चुका है 3843। तो दोनों के जो सेंटर्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि जितना पास हो सके उनको वो सेंटर मिल जाए। और जो जेईई मेंस में जो पहले अर्लियर शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल में होने वाले थे अलग अलग वो स्लॉट में, उसको भी बढ़ा के 12 कर दिया गया है। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर शिफ्ट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम अब 1.3 लाख से स्टूडेंट को कम करके 85,000 कर दिया गया। तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं जिससे वो कुछ भी दिक्कत ना हो। और नीट में जो है वो 8.58 लाख लोग रजिस्टर किए और नीट में 15.97 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है एंड सेंटर्स दे दिए गए। और In order to ensure proper distancing inside the examination hall, the candidates will be seated in alternative seats. एक के बगल में एक नहीं होगा, उसको एक छोड़ करके होगा। और the number of candidates in case of NEET, एक रूम में जो पहले होते थे 24, उसको भी अब नीचे कम करके 12 कर दिया गया है। तो जितना हो सके ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है। एंट्रेंस और एग्जिट के लिए भी स्टैगर्ड होगा, हर अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं। और डूज एंड डोंट्स भी बताया गया है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये निकल के आया। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपने लोकल सपोर्ट्स को वो करें ताकि बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंच सकें। आई थिंक सो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बसेस का अरेंजमेंट कर सकती है जो कि आसपास के सेंटर्स तक जा सके। तो ये फाइनली रिलीज किया है एनटीए ने। और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने हर स्टेट वाइज बताया है कि हर कितने कैंडिडेट्स पे कितने ये जेईई मेंस के लिए कितने कैंडिडेट्स पे कितने सेंटर मिलेंगे जनवरी से कंपेयर करके। फॉर एग्जांपल 1200 पे 4 सेंटर थे, अब 1200 पे, मतलब पहले 1200 पे 1 सेंटर थे और अब 1200 पे 4 सेंटर हैं। तो ऐसे उन्होंने पूरा हर स्टेट के लिए कंपेयर करके बताया है, तो आप इस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो टोटल जो है वो जेईई मेंस के लिए पहले 10 लाख बच्चों के लिए 570 सेंटर्स थे और इस बार 9.5 लाख के लिए 660 सेंटर है। वैसे ही नीट में हम अगर देखें तो पहले 15 लाख बच्चों के लिए 2500 सेंटर थे और 15 लाख बच्चों के लिए 3500 से ऊपर सेंटर है। तो ये उन्होंने किया। तो दोस्तों, ये जैसे कि एनटीए ने रेस कर दिया तो इसे कन्फर्म हो जाता है कि बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देने वाले, अब वो ये सब छोड़ के एक हफ्ते में अपना पूरा रिविजन पर स्टार्ट कर दें, एकदम फाइनल रिवीजन लेना स्टार्ट कर दें, इन सब के बारे में बिल्कुल छोड़ दें। तो नीट और जेईई दोनों कंडक्ट होने वाला है। जो भी अब यार हो गया उसको भूल के अब हमें आगे बढ़ना है। तो आप सिर्फ पेपर की तैयारी करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करें। नीट का एडमिट कार्ड किसी भी समय आ जाएगा आज, तो आप वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस ये था वीडियो कि अब कोई भी पोस्टपोन वोस्टपोन की बात नहीं हो रही है, सीधा पढ़ना है और जो बच्चे जा सकते हैं देने उनको एग्जाम देने जाना है। So that's it from this video. Hope you like this one. अगर ये चैनल अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना यार अगर पसंद आया तो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।